हैं एक ऐसे ही कलाकार से जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहरा चुकी हैं। करौली की बेटी ऋषिका शर्मा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी चित्रकारी के हुनर से लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। यहाँ तक कि उनके चित्रकारी के हुनर की तारीफ कई अभिनेताओं सहित पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी कर चुके हैं। इस पर इसको लेकर के एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जानी मानी पहचानी चित्रकार ऋषिका। ऋषिका, आपका एनडीटीवी राजस्थान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी चित्रकार, जो आपका जो अंदर जो हुनर जो तैयार हुआ है, हुनर आपके अंदर है और आपने इतनी सारी जो है चित्रकारी की है। मैं अभी देख रहा था किस तरीके से आपने जो है एक जो जो संविधान रचयिता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, तमाम जो लोग हैं इसमें चित्रकारी में आपने तैयार किए हैं, तो कैसा क्या आपको किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी, किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप चित्रकारी करें? सर, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मेरी कला को एक मंच एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। और मेरी शुरुआत बचपन में ही हुई थी। मैं मधुबनी जिला से हूँ और वहाँ पर मैंने मिथिला पेंटिंग बनाते हुए देखा और मैं बचपन से देखती आ रही थी कि वहाँ के जो लोक कलाकार थे वो मेरे घर के पास रहते थे और उनकी जो ब्रश है, उनके रंग है, वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगे और मैं बचपन से ही मेरा रुझान हुआ। हालांकि मेरा आर्ट फॉर्म बहुत अलग है, मैं पोर्ट्रेट में काम करती हूँ और वही उनको देख देख कर। मेरा सवाल है कि आपने जो घर में ऐसे कौन जो चित्रकार थे या कोई परिवार में चित्रकार थे या कोई रिलेशन में चित्रकार थे, कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारे परिवार में? नहीं सर, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सब एकेडमिक फील्ड से आते हैं और मेरे पिताजी ने भी PhD की और यहाँ श्री महावीर जी में है, यही जॉब करते हैं। माताजी भी एकेडमिक से टीचर हैं, तो दूर दूर तक कला का कोई संबंध नहीं था और मैं भी स्वप्रशिक्षित सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो बस शुरुआत यहीं से हुई कि रंगों को और चित्रों को देख देख के। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने शिक्षा कहाँ तक की, अभी क्या तैयारी कर रहे हैं आप, किस क्लास में हैं आप, क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, मैंने सबसे पहले तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BSc बायोलॉजी की डिग्री ली, ये कंप्लीट होने और साथ ही साथ सर मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाती थी वहाँ पर और जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से मैं थोड़ा आगे बढ़ी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया आर्ट को और मैं बनाती गई पेंटिंग्स। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ डिग्री की जरूरत होनी चाहिए अगर इसी फील्ड में आर्ट करना है, तो बीएससी बीएड के बाद मैंने मास्टर्स किया जो कि फाइन आर्ट्स से राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो पहले से आपका विषय नहीं था ये? नहीं सर, मैंने साइंस स्ट्रीम से फिर मैं स्विच हुई। मैं तो सबसे पहले आपने चित्रकारी सीखी जी सर, उसके बाद फिर आपने जो है उसका विषय उसके अंदर लिया जी सर। सबसे पहले आपका कोई विषय ऐसा नहीं था कि चित्रकार आपका विषय हो उस वजह से आपका मिशन तैयार हुआ हो, ऐसा नहीं था? सर, हम श्री महावीर जी से हैं, यहाँ पर उतनी जागरूकता नहीं थी उस वक्त जितनी अब हो गई है। उस समय पता नहीं था हमें कि ड्राइंग कोई सब्जेक्ट होता है, कोई विषय होता है जिसको आप 12th में भी ले सकते हो, तो वो जागरूकता और जानकारी के अभाव में और थोड़ा सा एकेडमिकली अच्छे होने के कारण। चलिए, आपने किस किस के जो है बनाए, ये जो है चित्र किसके बनाए आपने सर, किन किन लोगों के बनाए? सर, नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग बनाई जिनसे मुझे पत्र उनका आया और अशोक गहलोत जी और मेनका गांधी जी, वसुंधरा जी और जितने भी अपने नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, काफी लोगों की मैंने। कुछ अभिनेत्रियां भी हैं जिन्होंने आपको लाइक किया है, उन्होंने आपको सम्मानित भी किया है, वो कौन कौन है? जी सर, सोनाली बेंद्रे जी ने मुझे अवार्ड दिया था और अमीषा जी मेरे बहुत टच में है और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, आज भी वो मुझे प्रेजेंट होते भी भेजती है, आपकी बातें होती रहती है उनसे, लगातार उनसे बातें। तो आप क्या कहती हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, तो क्या सलाह देती हैं आप आपको? अमीषा पटेल जी सर, तो अभी क्या तैयारी कर रही है,
अभी सर उनकी गदर 2 रिलीज हुई है और उन्होंने हाल ही में मुझे ये तोहफा भेजा जिसके लिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका तोहफा आएगा और वो हमेशा लगातार मुझे एनकरेज करती रहती है। इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्री और इतना सक्सेस के बाद उनमें जरा भी गुमान नहीं है। ये नहीं कहती कि आप हमारी फिल्मों में आइए काम करिए, वो इतने बड़े होदे पर हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं कहा उन्होंने? नहीं सर, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं हुई और मुझे आज तक किसी से कभी कुछ अपने लिए मांगना पसंद, मैं थोड़ा सा खुददार हूं और वो इतनी अच्छी है कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान कर और मेरा टैलेंट को बढ़ावा दिया। अब कैसा लगता है ये बताइए, आप चित्रकार हैं, आपको कैसा लगता है अड़ोस पड़ोस का माहौल, रिलेशन में किस तरीके से लोग देखते हैं आपको? सर बहुत अच्छा लगता है और अपने बच्चों को भी वो लोग कहते हैं कि आप भी पेंटिंग फील्ड में आइए, क्योंकि कई बार यहाँ पे मैं ऐसे बच्चों से भी मिली हूँ कि मुझे वो बोलते हैं कि दीदी आप पेंटिंग करते हो, आपको डांटते नहीं है आपके पेरेंट्स? तो इस तरह का जो है अभी माहौल है कि इसमें थोड़ी सी जागरूकता और लाने की आवश्यकता है और वही काम मैं अपने कला के। अब आगे क्या करोगे, अब आपके आगे के क्या प्लानिंग? सर फिलहाल तो मैंने अभी ड्राइंग बुक्स पब्लिश की हैं बच्चों के लिए और मैंने कुछ कविता की किताबें पब्लिश की हैं और आगे जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं चाहती हूँ कि अपनी सोसाइटी में एक अच्छा कॉज, एक अच्छे मुद्दे के ऊपर काम कर पाऊँ और सोशल मैसेज दे पाऊँ अपनी कला। ये थी मेरे साथ ऋषिका, आपने देखा किस तरीके से उनके अंदर जो प्रतिभा है वो ऐसे कलाकारों से, ऐसे अभिनेत्री जो हैं उनसे उनकी जो है कनेक्टिविटी है और उनसे बराबर उनकी बातें होती हैं। अमीषा पटेल एक बहुत बड़ी जो है अभिनेत्री है, गदर 2 में उनका अहम रोल है, उनकी इनसे बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ऋषिका में थोड़ी कला है। और एक ये बहुत एक मीडियम जो है परिवार से हैं, बिहार से यहाँ पर ये लोग रहते हैं और इनको ट्रस्ट की ओर से जो है ये जो भवन दिया गया है, हम उन्हीं के बिल्कुल घर में हैं। हमने सोचा उनकी रियलिटी हम लोग दिखाएं, NDTV राजस्थान के जो दर्शक हैं वो देख सकें अच्छे से कि एक ऐसी चित्रकार है उसकी जो है रियलिटी NDTV राजस्थान के जो दर्शक हैं देखें। मैं एक बार कहूँगा कि ऋषिका द्वारा जो बनाई गई जो है चित्रकला वो दिखाई जाए कि किस तरीके से जो है ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और वहीं हम बात करें तो इनसे हटके जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किस तरीके का जो है इन्होंने चित्रकारी की है आप देख पा रहे हैं कि वाकई में एक 22 वर्षीय जो है लड़की हैं और जो स्टूडेंट हैं फिलहाल उन्होंने इस तरीके से जो है चित्रकारी की है। तमाम जो लोग हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से चित्रकारी की है उन्होंने। इधर मैं कहूँगा कि उनको जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं और जो कलाकार हैं ये सब जो है सजावट है, जितनी भी जो है जो गिफ्ट दी गई हैं वो सब तमाम जो गिफ्ट हैं ये आप देख पा रहे हैं उनके घर में सजी हुई हैं कि देखा जा सकता है कि एक पर लिखा हुआ है 2022 अवार्ड, दूसरा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वहीं एक से बढ़कर एक जो है देखने लायक जो है यहाँ पर इनको जो है प्रोत्साहन दिया गया है। और हम कहेंगे एक बार कि इधर भी दिखाएं कि जो है कितने लोगों ने इनको सम्मानित किया है, राजस्थान पत्रिका ने इनको सम्मानित किया है। वहीं मैं कहूँगा इनकी कुछ इधर कुछ चित्रकारी करने की जो है इनके कुछ आइटम्स हैं, इनसे जो है चित्रकारी करती है, कितने कलर्स हैं यहाँ पर मैं कहूँगा कि लगभग जो है यहाँ पर जो ये जो है इनकी ब्रश है, ये जो इनके फोटा जो भी आइटम्स हैं, इनके पास एक कैमरा भी है, ये शूट भी करती हैं अच्छे से और फिलहाल इनका जो है काम बराबर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक 22 वर्ष की चित्रकार, उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, देश का किया, प्रदेश का किया। ऐसी छात्रा के लिए हम भी NDTV राजस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अगले साल में अथॉरिटी वर्ष के बाद में अगले वर्ष में बहुत आगे जाएं और उनको जो है ऊपर वाला बहुत तरक्की दे और जल्द वो एक और बड़ी चित्रकार बने और बड़े बड़े लोग जो है इनको लाइक करें। मैं कहूँगा कि एक बार अपने जो लोग हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं, आपके साथी लोग, आपकी उम्र के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? जी सर, मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और बस लगे रहिए और जितना हो सके आप प्रोडक्टिव बनिए, डेली कुछ ना कुछ नया कीजिए और सोसाइटी में कुछ